शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे इस महीने आप सभी को व्रत कब करना है। जैसे कि प्रदोष का व्रत बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक जाना जाता है और त्रयोदशी तिथि जब जो है शाम के समय प्रदोष काल में व्याप्त हो, शास्त्र प्रमाण कहता है उसी दिन आप सभी को प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो इस महीने आप सभी के लिए प्रदोष का समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। जैसे कि इस दिन आप सभी को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत गंगा जल मिश्रित जल से करनी चाहिए, स्नान के रूप में। उसके बाद साफ स्वच्छ हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र का चुनाव करते हुए महादेव का ध्यान स्मरण करते हुए सुबह के समय में व्रत का संकल्प ले। साधारण सरल सी पूजा आप प्रदोष के दिन सुबह के समय करें, परंतु इस व्रत में पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी साधारण सरल सी पूजा सुबह करें, परंतु शाम के समय आप सभी को विशेष विधान के तहत पूजन करना चाहिए। प्रदोष जैसे कि नाम से ही वर्णित है, प्रदोष काल में जो कि सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले का कुछ समय और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का कुछ समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। इस समय आप सभी को अपने पूजन विधान, नियम इत्यादि विशेष करने चाहिए। चाहे तो इस पूजन को करने के लिए आप महादेव के मंदिर में चले जाएं, चाहे तो अपने घर पर भी शिवलिंग जो स्वरूप में विराजमान है वहां पर पूजा करें। आप सभी आंक, धतूरा, बेलपत्र, भस्म और सभी शिव पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रबंध कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के दिन कभी भी बेलपत्र या किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। इन चीजों को आप पहले ही तोड़कर रख लीजिए और साथ ही आप शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र इत्यादि भी प्रयोग में ले सकते हैं। प्रदोष काल में आप सभी संभव हो तो स्नान इत्यादि कर लीजिए, नहीं तो साधारण भाव से कपड़े इत्यादि बदलकर और स्वयं के ऊपर जल के छींटे शुद्धि का भाव करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिए और विधि विधान से महादेव के सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आवश्यक रूप से आप सभी महादेव की सरलतम भाव से पूजा करें। महादेव हैं सच्चे भाव, सच्चे मन से की गई पूजा बहुत जल्दी स्वीकार्य करते हैं। आप सभी विधि विधान से पूजन करें, प्रदोष व्रत की कथा महत्व सुने, मंत्र जाप इत्यादि करें, साथ ही दीप दान करें पीपल वृक्ष महादेव के मंदिर में घर के मुख्य द्वार पर। इन स्थानों को तो विशेष रूप से आपको प्रदोष के दिन जो है विशेष दीप दान करना चाहिए। साथ ही हम सभी जानते हैं, शिव पुराण में गुरुजी भी बताते हैं, हम सभी को आवश्यक रूप से महादेव पशुपतिनाथ के रूप में हमारे आसपास विराजमान है, तो किसी गौ की सेवा या किसी गौवंश की सेवा, हो सकता है नंदीश्वर की आप सेवा करें नंदी जी की, या गौ माता की आवश्यक रूप से सेवा करें। आपको प्रदोष व्रत पूर्ण रूप से सुखों को प्रदान करने के लिए सहायक होगा। जीवन में एक बार प्रदोष व्रत शुरू कर पूर्ण रूप से शिव आराधना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत आता है, तो आप सभी को एक बार जरूर से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। चैनल पर पहले ही प्रदोष व्रत कब से शुरू करें, उपाय, पूजा विधि, नियम की वीडियो आई है, कृपया आप सभी जरूर से देखिए। अब जानते हैं इस वर्ष 2023 में प्रदोष व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के जो दूसरी त्रयोदशी तिथि है, जिसे 27 सितंबर को सुबह 1:45 पर शुरू हो जाएगी और रात 10:28 के आसपास इसका समापन होगा। ऐसे में जो प्रदोष व्रत रखने के नियम कहे गए हैं, जिनके अनुसार शास्त्र वर्णित है कि प्रदोष व्रत करने के जो समय है प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि का व्याप्त होना जरूरी होता है और उदिया तिथि के हिसाब से इस वर्ष जो है यही निर्धारित हो रहा है। पंचांग में वर्णित है कि 27 सितंबर 2023 को प्रदोष का व्रत रहेगा। इस दिन बुधवार का व्रत है, इसलिए इसे बुधवार जो है बुध प्रदोष के रूप में जाना जाएगा। इस दिन आप सभी पंचांग में पूर्ण रूप से जो लिखित है शास्त्रों में प्रामाणिक बात कही गई है कि प्रदोष काल का समय क्या निकल कर आना चाहिए, वह इस बार हो रहा है 6:12 से शुरू हो रहा है और 8:36 के आसपास जो है आप सभी को यह चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी लिखी हुई हैं, तो आप सभी इन चीज़ों को नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और अपनी पूजा आराधना संपन्न कीजिए। तो आप सभी आवश्यक रूप से बुधवार 27 सितंबर के दिन अपने व्रत को करें। महादेव माँ पार्वती आपके जीवन में निश्चित ही अपनी छत्र छाया करेंगे। जीवन में किसी भी तरह से बहुत अधिक परेशानियां बढ़ रही हैं, तो प्रदोष के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से महाकाल की भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से नमः शिवाय ओम महामंत्र की एक माला का जाप करना बहुत सुख फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। इस दिन खासतौर पर महादेव के समस्त शिव परिवार पर एक एक बेलपत्र, जैसे महादेव का शिवलिंग विराजमान होता है गणेश जी के स्थान पर,
वहाँ पर आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है, मनोकामना कहते हुए एक बेलपत्र समर्पित करनी है। इसके पश्चात कार्तिकेय जी भगवान जो कि महादेव के शिवलिंग पर ही विराजमान होते हैं, वहाँ पर एक बेलपत्र समर्पित करनी है। उसके पश्चात मनोकामना बोलते हुए जल समर्पित करना है। इसी तरह से पाँच स्थान पाँच बेलपत्र का विधान शास्त्रों में कहा गया है। इसके पश्चात माँ अशोक सुंदरी जो कि बीच में मोटी लाइन होती है शिवलिंग के आसपास, वहाँ पर आपको जल समर्पित कर एक लोटा जल समर्पित कर एक बेलपत्र। उसके बाद माता रानी का हस्त कमल जिसे कटी भाग भी कहा जाता है उस स्थान पर एक बेलपत्र रखकर जल समर्पित करना है। इसके पश्चात शिवलिंग पर यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। इसके बाद शिवलिंग पर प्रणाम करें, अपनी मनोकामना बोलें, झोली पसार कर मन की बात कहें, एक दीपक लगाएं, महादेव आपकी सुनेंगे जिस कामना से भी आप करेंगे। इस दिन बुधवार होने के कारण बुध प्रदोष है और बुधवार के दिन हरा रंग धारण करना और हरे रंग से संबंधित चीज़ों का उपाय नियम बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। साधारण सरल तरीके से आप सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वैवाहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी तरह से अपने जीवन में सब ज्ञान बुद्धि विवेक रोग मुक्ति चाहते हैं, तो आप सभी क्या करें, एक मुट्ठी के करीब या 108 की संख्या में आप सभी हरे मूंग का चुनाव कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, हरे मूंग के दाने जो खंडित नहीं होने चाहिए, परिपूर्ण अवस्था में होने चाहिए। 108 या एक मुट्ठी आप सभी हरा मूंग लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कि महादेव का सरल मंत्र है, पुराण में लिखित मंत्र हैं और शिव पुराण के मूल मंत्रों के रूप में जाने जाते हैं। एक एक करके आप सभी को शिवलिंग पर सभी हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने चाहिए। यह उपाय अपने आप में सिद्ध उपाय है जो कि लाख लाभ देने वाला कहा गया है। इस दिन हरा चारा गौ माता को खिलाना, नंदीश्वर महादेव को गुड़ और एक मुट्ठी जो हरा मूंग है वह अपनी मनोकामना कहते हुए उस एक मुट्ठी जो हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा है उसमें एक बेलपत्र रखकर खिला देना, नंदी महाराज को सब कामना सिद्धि में सहायक माना जाता है। तो इस वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की प्रदोष काल का समय, पूजा विधि, समस्त नियम उपाय। इस व्रत में आप दिन भर में चाय पानी फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय बिना नमक का आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कई भक्तजन सिर्फ फलाहार करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार शिव पूजा को करें, विधान करें, बहुत सरल नियम है और तुरंत फलदायी नियमों के रूप में इन्हें जाना जाता है। व्रत करें या ना करें, विशेष तिथि में एक समय का भोजन अपनी क्षमता अनुसार किसी पंडित जी को या किसी गरीब ब्राह्मण जन या किसी भी गरीब जरूरतमंद की व्यक्ति की सहायता आप आवश्यक रूप से करें। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। किसी भी कामना सिद्धि के लिए यह दिन बहुत सहायक माना जाता है। शिव से संबंधित शिव चालीसा स्रोत इत्यादि का पाठ करना भी बहुत सुखद फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।